हाय फ्रेंड्स, निक्की बर्ड हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बर्ड को यानी पैरट को, चिक्स को रिंग कैसे पहनाई जाती है वो बताऊंगा कि उन्हें कितनी उम्र में रिंग पहनानी चाहिए, किस तरीके की रिंग होती है। एक रिंग होती है, कट रिंग होती है जो आगे से कटी हुई होती है, वो बर्ड को कभी भी पहनाई जा सकती है। और एक क्लोज रिंग होती है, क्लोज रिंग जब वो बच्चा 15 दिन का या 18 दिन का होता है तब उसे पहनाई जाती है। तो मेरे पास आज सनकनू के दो चिक्स हैं जिनको मैं रिंग पहनाऊंगा, और ये मेरी रिंग आज ही आई है, मैंने हैदराबाद से परचेज की थी। जो डीएनए भी करते हैं और रिंग का भी काम करते हैं, और मैंने इस रिंग के ऊपर अपना नाम लिखवाया मैंने फर्म का। देखिए, निक्की बर्ड हाउस। तो चलिए फिर आपको बताते हैं कैसे उसे रिंग पहनाई। आहिस्ता से ये देखिए, बर्ड को रिंग पहना दी गई है। अभी पैक रिंग और कट रिंग का मतलब क्या होता है? कट रिंग जैसे कि आपका, आपने बर्ड परचेस किया कहीं और से जो बड़ा है और उसका रिंग नहीं पहना हुआ है और आपको उसका डीएनए करवाना है, तब आपको वो कट रिंग काम आती है, क्योंकि तब वो बर्ड के पाँव में नहीं जाती क्लोज रिंग, तो आपको कट रिंग लेके उसे दबाना पड़ता है। और क्लोज रिंग बच्चा जब 15 से 20 दिन का होता है तब वो बच्चे के पाँव में पहनाई जाती है। तो जब तक ये बच्चा जिएगा तब तक इसका पाँव में से रिंग निकल नहीं सकता, क्योंकि ये कट नहीं होगी। कट रिंग होती है वो इस तरीके की होती है, जैसे कट होती है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये कैसे पहनाई जाती है और किस बर्ड को पहनाई जाती है। ये मेरे पास है कॉकटेल की, मेरे पास एल्बिनो कॉकटेल का जो मेरा होम ब्रीडिंग बच्चा है, तब मेरे पास ये रिंग नहीं थी अवेलेबल, तो मैंने उसे नहीं पहना पाया था। तो अभी मैं उसे पहना के आपको दिखाऊँगा कैसे पहनाई जाती है। ये मेरा कॉकटेल है एल्बिनो, तो ये इसको पहना के देखते हैं कैसे पहनाई जाती है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सभी के राइट पैर पे ही पहना रहा हूँ, ले देख लेता हूँ कि रिंग सीधी है। वो बड़े बर्ड को पहनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऐसे फेंके यहाँ पे, ऐसे पुश करना है, शायद ये पहन लिए इसने, इसको उल्टा करके देखेंगे और बस थोड़ी सी और इसको दबा देता हूँ। ठीक से दबाना पड़ेगा, देखें। तो इसको बना दी गई है, आप देखेंगे क्या हो रहा। देखें फेदर तक ये जो रिंग है
इसे पहना दी। थोड़े दिन में पटर